सिंचन, अब हमारी मौसी सेना तुम्हारी मॉम डैड को छोड़ेगी नहीं सिंचन, उन्हें मार देगी। अब ये दोनों बचने वाले नहीं हैं, दोनों का जाने का समय आ चुका है। दोनों को छोड़ूंगा नहीं, ये ले यार तू भी ले। ये देखो सिंचन, मैंने तुम्हारी मॉम डैड दोनों को खत्म कर दिया, अब तुम क्या करोगे सिंचन? अरे मोस सिंचन, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे मॉम डैड को क्यों मारा? प्लीज मेरे मॉम डैड को जिंदा कर दो मोस सिंचन, मैं तुम्हारी आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है सिंचन, मैं तुम्हारे मॉम डैड को जिंदा कर दूंगा, लेकिन हाँ सिंचन, अगर तुम लोग ये रैन चैलेंज पूरा कर लोगे तो तुम लोग हो नौजन और तुम लोगों को बनाने होंगे 5 पॉइंट। आज तुम सबको करना होगा मेगा रैम चैलेंज। अगर तुम मेगा रैम चैलेंज में जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को जिंदा कर दूंगा, अगर नहीं कर पाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए चले ही जाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे सिंचन। ये देखो सिंचन, ये रहा वो मेगा रैम चैलेंज। तुम सबको बाइक लेनी है और फिर यहाँ से चैलेंज स्टार्ट करना है और फिर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और ये देखो, तुम्हें यहाँ लास्ट तक पहुँचना है और फिर ये टायर दिखेगा उसके अंदर से जंप लगाना है और नीचे लैंड करना होगा। और ये फुटबॉल दिख रही है, वहां तक तुम्हें पहुंचना है और फुटबॉल का गोल करना है। लेकिन हाँ, जब तुम लैंड करोगे तब तुम बाइक से नहीं गिरने चाहिए, अगर तुम में से कोई भी बाइक से गिर गया तो वो चैन से बाहर हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे कौन खड़ा है, यहाँ पे है जायंट मोंसा सिंचन और गोरिला। नहीं नहीं, ये तो गोरिला नहीं, ये तो गॉडजिला है। कितना खतरनाक लग रहा है। तो चलो सिंचन, चैलेंज स्टार्ट करते हैं। अरे वाह सिंचन, सबसे पहले तुमने स्क्विड गैंग के डॉल को भेजा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक पॉइंट बना पाएगी। अरे बच गई, ये तो गिनने वाली थी सिंचन। अब देखते हैं क्या ये चैलेंज पूरा कर पाएगी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है ये चैलेंज से बाहर होने वाली है सिंचन। तुम देख लेना, ओ ये लगा इसने छलांग, अब देखते हैं। ये देखो सिंचन, स्क्विड गेम की डॉल तो गिर गई। इसका मतलब ये चैलेंज से बाहर हो चुकी है और तुम्हारा एक पॉइंट नहीं बना है। अब चलो अगले किसकी बारी है? अब मेरी बारी है, अब देखना कि मैं कैसे एक पॉइंट बनाता हूँ। ये चैलेंज बहुत ही आसान है और मैं एकदम आसानी से ये चैलेंज कंप्लीट कर दूंगा और सिंचन को एक पॉइंट दिलाऊंगा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो बाहर ही जा रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, मैं तो बाइक से गिर गया। इसका मतलब मैं चैलेंज से बाहर हो चुका हूँ, पर ये कैसे हो गया? मैं तो ये चैलेंज कंप्लीट करने वाला था पर मैं तो बाइक से गिर चुका हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये क्या हो गया, ह्यूमंगस और स्क्विड गेम की डॉल तो एक भी पॉइंट नहीं बना पाई। अब ये डायमंड हेड जा रहा है, क्या लगता है एक पॉइंट बना पाएगा डायमंड हेड? तुम्हें कैसे भी करके एक पॉइंट बनाना ही होगा, हमें टोटल 5 पॉइंट बनाने हैं, इसलिए प्लीज कैसे भी करके तुम एक पॉइंट बना दो और संभल के जाना, कहीं तुम बाइक से ना गिर जाओ। अगर तुम बाइक से गिर जाओगे तो तुम चैलेंज से बाहर हो जाओगे। अरे वाह, ये तो जा रहा है और ये लगा इसने टायर में से छलांग, और क्या लगता है, और ये अरे वाह दोस्तों, ये देखो डायमंड हेड तो सही सलामत फुटबॉल के पास पहुंच गया है और ये अब गोल करने वाला है। अरे वाह, हमारा फर्स्ट गोल होने वाला है। ये देखो, अरे ये क्या हो गया, ये तो गिर गया, फुटबॉल गई 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 और ये हो गया। आखिरकार हमारा फर्स्ट पॉइंट हो ही गया, अब बस हमें 4 पॉइंट बनाने हैं। अरे
वाह डायमंड हेड, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अरे वाह डायमंड हेड ने तो एक पॉइंट बना लिया। सिंचैन अब देखना कि कैसे मैं दूसरा पॉइंट बनाता हूँ। ये चैलेंज मेरे लिए बहुत ही आसान है और मैं ऐसे इस चैलेंज को कंप्लीट कर दूंगा और दूसरा पॉइंट तुम्हें बना के दे दूंगा। सिंचैन ये देखो, ये मैं चला और ये लगाई मैंने छलांग और ये मैं, अरे बाप रे ये क्या हो गया, अरे मैं तो बाइक से गिर गया। इसका मतलब मैं चैलेंज से बाहर हो चुका हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये क्या हो गया, वेनम तो बाइक से गिर गया और चैलेंज से बाहर हो गया। अब स्पाइडरमैन जा रहा है। क्या लगता है दोस्तों, स्पाइडरमैन दूसरा पॉइंट बना पाएगा? क्योंकि अभी तक सिर्फ डायमंड हेड ने एक पॉइंट बनाया है और अभी भी चार पॉइंट बनाना बाकी है। अरे स्पाइडरमैन अच्छे से जाओ, अगर तुम गिर गए तो चैलेंज से बाहर हो जाओगे और हमें अभी भी चार पॉइंट बनाने हैं, इसलिए तुम्हें संभल के जाना होगा। ये अरे बच गया, वरना वेडमिल से धक्का लग जाता। और ये लगा इसने टायर में से छलांग और क्या लगता है, अरे बाप रे ये क्या, अरे आश बच गया। मुझे तो लगा था कि स्पाइडरमैन नीचे गिर जाएगा लेकिन नहीं, स्पाइडरमैन तो बच गया। और ये देखो ये फुटबॉल के पास पहुंच चुका है, इसका मतलब हमारा दूसरा पॉइंट होने वाला है। अरे वाह स्पाइडरमैन तुमने तो कमाल ही कर दिया। ये देखो मॉन्स्टर सिंचैन, स्पाइडरमैन ने दूसरा गोल कर दिया और अभी भी हम जन बहुत जन बाकी है और तीन पॉइंट हमें करना है, वो हम लोग कर लेंगे। अरे वाह स्पाइडरमैन ने तो कमाल ही कर दिया। अरे बाप रे ये क्या हो गया, अब तो मेरी बारी आ चुकी है, मुझे भी कैसे करके एक पॉइंट बनाना होगा। स्पाइडरमैन और डायमंड हेड ने तो एक पॉइंट बना लिए, अब मुझे भी एक पॉइंट बनाना होगा। अरे बाप रे ये क्या, ये चैलेंज तो बहुत ही हार्ड लग रहा है, फिर भी मुझे एक पॉइंट बनाना है। चलो मैं फटाफट चलता हूँ। ऑगी तुम्हें कैसे करके चैलेंज कम्प्लीट करना होगा और एक पॉइंट बनाना होगा ऑगी। अरे ये क्या दोस्तों, ये देखो ऑगी ने भी ये चैलेंज कम्प्लीट कर लिया। ऑगी सही सलामत पहुंच चुका है, अब आगे गोल करेगा। अरे वाह कमाल ही हो गया, पहले डायमंड हेड फिर स्पाइडरमैन और अब ऑगी। अब हमारे तीन पॉइंट हो जाएंगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉइंट बाकी रहेंगे, वो तो मैं फ्रैंकल भैया और हल्क तीनों में से कोई ना कोई तो बना ही लेगा। ये देखो ऑगी ने गोल कर दिया। अरे वाह कमाल ही हो गया, हमारे तीन पॉइंट हो चुके हैं। अब मेरी बारी है और मैं भी एक पॉइंट करके रहूंगा। तीन पॉइंट तो हो चुके हैं, डायमंड हेड स्पाइडरमैन और ऑगी ने बहुत ही अच्छा किया। अब मेरी बारी है, मुझे भी एकदम अच्छे से ये चैलेंज कंप्लीट करना होगा और सिंचैन को एक पॉइंट दिलाना होगा ताकि उसकी मॉम डैड वापस आ सके। और ये मैं चला और ये लगाई मैंने टायर में से छलांग और क्या लगता है मैं बचूंगा। अरे वाह ये देखो मैं आखिरकार बच गया। अरे वाह मैंने तो कमाल कर दिया, अब चलो फटाफट गोल करता हूँ और एक पॉइंट बना लेता हूँ, उसके बाद टोटल चार पॉइंट हो जाएंगे। ये मारी मैंने लात और ये हो गया गोल। देखा मास्टर सिंचैन, आखिरकार हमने चार पॉइंट कर ही दिए और बस अब एक पॉइंट बाकी है, वो भी हो ही जाएगा। उसके बाद तुम्हें सिंचैन के मॉम डैड को चिंता करना होगा। सिंचैन अब अगली तुम्हारी बारी है, तुम भी ये चैलेंज कंप्लीट कर सकते हो। अरे वाह मेरी बारी आ चुकी है, हल भैया ने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने भी एक पॉइंट बना लिया और हमारे टोटल चार पॉइंट हो चुके हैं। अब बस मुझे एक पॉइंट बनाना है, उसके बाद हमारे पांच पॉइंट हो जाएंगे और अभी भी फ्रैंकल भैया बाकी हैं, इसका मतलब हमारे छह पॉइंट हो सकते हैं। मौसा सिंचैन तुम देख रही हो ना, हमारे पांच पॉइंट होने ही वाले हैं। ये देखो मैं नीचे आ गया। ये देखो मैं फुटबॉल के पास पहुंच चुका हूँ और मैं बाइक से गिरा भी नहीं। मौसा सिंचैन ये देखो, ये मारी मैंने लात और ये फुटबॉल जा रही है और ये हो गया गोल। हमारे पांच पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, अब तो तुम्हें मॉम डैड को वापस जिंदा करना ही होगा और अभी भी फ्रैंकल भैया बचे हुए हैं, वो भी चैलेंज कंप्लीट करेंगे।
जाएंगे और 6 पॉइंट हमारे हो जाएंगे। हाँ सिंचन, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। मोहनसा सिंचन ने 5 पॉइंट करने के लिए कहे थे और हम 6 पॉइंट करने वाले। सिंचन अभी भी मैं बाकी हूँ और मैं 1 पॉइंट दिला के रहूंगा सिंचन, फिर टोटल हो जाएंगे 6 पॉइंट। अरे बाप रे बाप, बच गया, वरना मैं बाइक से गिर ही जाता, मुझे संभल कर जाना होगा। ये चरण जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कितना कठिन चैलेंज है ये। अरे बाप रे बाप, बच गया। अरे ये क्या हो गया, अरे अभी मैं बाइक से गिर जाता। चलो फटाफट चलता हूँ और चैलेंज का कंप्लीट करता हूँ और फिर हमारे हो जाएंगे टोटल 6 पॉइंट। और ये लगाई मैंने छलांग। अरे ये क्या हो गया, अरे बाप रे बाप, अरे सिंचन ये क्या हो गया, मैं तो नीचे गिर रहा हूँ। अरे यार ये क्या हो गया, अरे बचाओ। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, मैं तो नीचे ही गिर गया। इसका मतलब हमारे 6 पॉइंट नहीं हुए, हमारे टोटल 5 पॉइंट ही हुए हैं। चलो कोई नहीं, कम से कम 5 पॉइंट तो हुए। अरे वाह मोनसा सिंचन, तुमने तो अपना वादा पूरा किया, तुमने मेरे मॉम डैड को वापस जिंदा कर दिया। क्योंकि हमने तुम्हें हरा जो दिया था मोनसा सिंचन, तुमने देखा ना कि कैसे हमने तुम्हें हराया है, इसलिए हमसे पंगा मत लेना मोनसा सिंचन। सिंचन इतना हंसो मत, इस बार तो तुम सबने मुझे हरा दिया है, लेकिन अगली बार तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, अगली बार मैं ही जीतूंगा सिंचन, तब तक के लिए बाय बाय। अरे ये क्या हो गया, मोनसा सिंचन कहाँ चला गया? चलो अच्छा हुआ कि वो चला गया। ये देखो दोस्तों, मॉम डैड वापस आ चुके हैं और इन सब ने मेरी बहुत मदद की, और बाकी के तो नीचे चले गए हैं, बाइक से गिर गए और चलन से बाहर हो गए थे, वो लोग नीचे हैं, उनको भी मुझे थैंक यू बोलना है। उन सब की वजह से मेरे मॉम डैड वापस आ चुके हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपने देखा ना कि कैसे मोनसा सिंचन वापस आ गया था, उसने मेरे मॉम डैड को मार दिया था और हमें मेगा रैम चैलेंज कम्प्लीट करने के लिए कहा था और 5 पॉइंट बनाने के लिए कहे थे, और हमने 5 पॉइंट बना के मॉम डैड को बचा लिया, और मोनसा सिंचन हमसे हार गया और उसे मॉम डैड को वापस जिंदा करना पड़ा। और फिर वो यहाँ से चला गया। तो बस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम फिर मिलेंगे हमारी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।